सो गाइस जैसे यहाँ पे देख सकते हो पिंक डायमंड से यहाँ पे मेरे को काफी सारे रिवार्ड्स एक्सचेंज करने को मिल रहे हैं। तो ये सारे रिवार्ड्स गाइस आप लोगों को हमारे इंडियन सर्वर कब देखने को मिलेंगे एंड गाइस आप लोगों को पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न में कब तक नजर आने वाला है और क्या क्या रिवार्ड्स आप लोगों को पिंक डायमंड से एक्सचेंज करने को मिलेंगे सभी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे मनु भाई हमारे पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न में कब देखने को मिलेगा। तो फाइनली आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। साथ ही गाइस आप लोगों को पता है आज हमारे इंडिया सर्वर पे एक न्यू टॉपअप इवेंट भी आने वाला है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा टॉपअप इवेंट आज रात 12 बजे तक हमारे इंडिया सर्वर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे न्यू इवोल्यूशन बंडल और काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आ रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह रन ऑफ फायर से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम इसी तरह बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोग की टू नाइट अपडेट के बारे में। गाइस जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हो आप लोग हमारे इंडिया सर्वर कुछ इस तरह की हाइपरबुक टॉप अप इवेंट देखने को मिल रही होगी, लेकिन गाइस ये टॉप अपमेंट तो भाई आज हमारे इंडिया सर्वर रहेगा, कल से आप लोग हमारे इंडिया सर्वर नया टॉप अपमेंट देखने को मिल जाएगा। और आप लोग यही सोच रहे भाई इसके बाद हम लोग हाइपरबुक को परचेज नहीं कर पाओगे, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, कल आप लोग हमारे इंडिया सर्वर हाइपरबुक स्टोर में देखने को मिलेगी जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे भाई आप लोग को 300 डायमंड में देखने को मिलेगी, मतलब गाइस या तो भाई आप लोग 300 डायमंड का टॉपअप करके हाइपरबुक को परचेज कर सकते हो या गाइस आप लोग इसे स्टोर में आने का वेट कर लीजिए, आप लोग की आईडी में 300 डायमंड पड़े हैं तो भाई आप लोग इसे स्टोर से भी बड़ी आसानी से परचेज कर पाओगे। यही थी आप लोग की टू नाइट अपडेट, बाकी इसके अलावा तो आप लोग को पता ही है एक और टू नाइट अपडेट है जो कि भाई आप लोग का टॉपअप इवेंट। एंड गाइस बात करें आप लोग की नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के बारे में, तो गाइस दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकल कर आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी ये है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस टॉप इवेंट गाइस आप लोग हमारे इवो फिस्ट स्किन के काफी सारे क्रेट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे टोटल 500 डायमंड का टॉपअप करते हो तो गाइस लगभग आप लोग को 50 ईवो फिस्ट के क्रेट देखने को मिल जाएंगे एंड 500 डायमंड भी क्लेम करने को मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा चांसेस है गाइस आप लोग को ये वाला टॉपअप इवेंट आज रात 12 बजे तक हमारे इंडिया सर्वर पर नजर आ जाए। तो गाइस या तो आप लोग को हमारा ईवो फिस्ट से रिलेटेड टॉपअप इवेंट देखने को मिल जाएगा, अगर ये वाला भी नहीं आता है तो एक और टॉपअप इवेंट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस टॉपअप इवेंट में गाइस आप लोग को हमारे हाइपरबुक टोकन के काफी सारे क्रेट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब गाइस यहाँ पे भी अगर आप लोग 500 डायमंड का टॉपअप करते हो तो गाइस यहाँ से भी आप लोग को हमारे हाइपरबुक टोकन के काफी सारे क्रेट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब गाइस आप लोग बड़ी आसानी से इस टॉपअप इवेंट को कंप्लीट करके अपने हाइपरबुक को अनलॉक कर सकते हो। तो हो सकते हैं गाइस इनमें से कोई एक टॉपअप इवेंट आज रात 12 बजे तक हमारे इंडिया सर्वर पर देखने को मिल जाए, बाकी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन चांसेस काफी ज्यादा है इन दोनों टॉपअप इवेंट के हमारे इंडिया सर्वर पर आने के। इसके बाद गाइस बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस आप लोग को पता ही है कुछ दिन पहले हमारे फ्री फायर मैक्स में फ्री फायर बैन को लेकर सर्वे किया गया था एंड उसमें भाई आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा, लेकिन गाइस हमारे बाहर के सर्वर पर भी एक न्यू सर्वे निकल कर आया जैसे कि आप देख सकते हो। इस सर्वे में गाइस हमारे गेम रिलेटेड अपडेट्स को लेकर चर्चा की गई है कि मतलब आप लोग को भाई गेम में क्या क्या चीजें पसंद आ रही है क्या चीजें पसंद नहीं आ रही है। जैसे कि भाई यहाँ पे आप लोगों हमारे ग्राफिक्स वगैरह के बारे में पूछा गया कितना ज्यादा आप लोग पसंद करते हो, और यहाँ पे गाइस इस बारे में चर्चा की गई है कि भाई अगर क्लॉक टावर के ऊपर इस तरह आप लोग को नया मैप देखने को मिल जाए या नई जगह दे दी जाए तो भाई आप लोग इसे कितने ज्यादा पसंद करोगे, ज्यादा पसंद है या भाई कम पसंद है, आप लोग इसे डिसलाइक लाइक कर सकते हो। एंड इसको एक्सप्लेन करते हुए ये बताया गया कि भाई यहाँ पे आप लोग को ज्यादा लूट भी मिलने वाली है एंड यहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ी वगैरह से भी जा सकते हो। तो हो सकता है गाइस कुछ इस तरीके के चेंजमेंट आप लोग को OB38 अपडेट के बाद हमारे गेम में नजर आ जाए जिसमें क्लॉक टावर के ऊपर आप लोग को एक और नई जगह देखने को मिल जाए वो भी हवा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग के बरमुडा को लेकर भी चर्चा की गई है कि अगर आप लोग को इस जगह हमारी हाईटेक वेपन दे दी जाए एनिमी से लड़ने के लिए तो आप लोग इसे कितना ज्यादा पसंद करते हो, और गाइस यहाँ पे हमारी लेजेंडरी कॉस्ट्यूम को लेकर भी चर्चा की गई। भाई आप लोग को पता है यू बंडल तो हमारा इंडिया सर्वर पर आ गई, लेकिन यहाँ पे आप लोग को कुछ और नए एनिमेशन के साथ बंडल्स की डिजाइन दी गई है कि भाई आप लोग इस तरीके के बंडल्स को कितने ज्यादा पसंद करोगे, लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे या बहुत ज्यादा पसंद करोगे, इस तरह की चर्चा गाइस हमारे बाहर के सर्वर पर हो रही है। बाकी यहाँ पे गाइस आप लोग को बंडल के साथ ही तगड़े एनिमेशन साथ टॉप भी दिए गए जिनमें गाइस आप लोग को अलग अलग एनिमेशन दिखाया गया, मतलब गाइस अगर हमारे इंडिया सर्वर पर इस तरीके के एनिमेशन के साथ आप लोग को बंडल देखने को मिले तो आप लोग इन बंडल को पसंद करोगे या पहले वाले बंडल आप लोग को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे अपने सर्वे में पार्टिसिपेट करके चूज कर सकते हो। तो एक तरीके से गाइस मैं आप लोग ये कह सकता हूँ कि हो सकता है गाइस आप लोग को OB38 अपडेट के बाद कुछ इस तरीके के नए एनिमेशन एंड नए डिजाइन के साथ बंडल्स वगैरह देखने को मिल जाए जो कि भाई काफी ज्यादा लेजेंडरी होने वाले एंड खतरनाक तगड़े एनिमेशन के साथ आप लोग को नजर आएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोग के पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न के बारे में एंड आप लोग के भाई इवोल्यूशन बंडल्स रिलेटेड भी यहाँ पे अपडेट्स निकल कर आ रही है और भी काफी कुछ नया मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप लोग को आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। सो गाइस बात करें आप लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में, आप लोग एक न्यू फेडरविल इवेंट के लिए निकल कर आ रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग नया फेडरविल इवेंट निकल कर आ चुका है जिसमें आप लोग हमारे पिछली बार के एपिडोलस इवेंट के कुछ रिवार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि भाई यहाँ पे आप लोग हमारी एक लेजेंडरी स्कार की गन स्किन दी गई जो कि पिछली बार आप लोग को एपिडोलस इवेंट में देखने को मिली थी एंड इसी से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग ग्रेनाइट की स्किन एंड ग्लोल की स्किन एंड एक परांग की स्किन भी दी गई है। देखो गाइस एपिडोलस इवेंट का लगभग हमारा पूरा सा इवेंट खत्म होने को ही है, लेकिन अभी तक आप लोग हमारे पिछले एपिडोलस इवेंट के कोई भी रिवार्ड देखने को नहीं मिले, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही है कि आप लोग हमारे पुराने एपिडोलस इवेंट के रिवार्ड फिर से रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे आप लोग को फेडरविल इवेंट दिया गया
तो भाई आप लोग को इसका ये मोको स्टोर इवेंट में या किसी और इवेंट में रिटर्न में देखने को मिल सकती है। बाकी और भी मैं आप लोग को इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोग को बता देता हूं हमारे इवोल्यूशन बंडल के बारे में। गाइस आप लोग को पता है 26 तारीख को हमारे इंडिया सुपर एक गैलेक्सी व्हील इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। इस गैलेक्सी व्हील इवेंट में गाइस आप लोग को हमारे न्यू इवोल्यूशन बंडल देखने को मिल जाएगा, जो कि 100% कंफर्म है। लेकिन यार यहां पे मैं आप लोग को बता दूं, इवोल्यूशन बंडल के साथ आप लोग को एक कोई ग्लोबल स्किन भी देखने को मिल सकती है। अलग अलग सर्वर पर गाइस अलग अलग व्हील में अलग अलग ग्लोबल स्किन डाली जा रही है। तो आप लोग को जब हमारे इंडिया सुपर इवोल्यूशन बंडल देखने को मिलेगा, तो इसी के साथ कोई ना कोई एक ग्लोबल स्किन या कोई अदर रिवार्ड डाला जाएगा। मतलब गाइस आप लोग यहां पे लगभग 1100-1200 डायमंड में इवोल्यूशन बंडल भी निकल जाएगा, एंड भाई आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड भी यहां से क्लेम करने को मिल जाएंगे। बट गाइस जब आप लोग इस बंडल को निकालोगे तो भाई सिंपल वे में होगा, मतलब गाइस आप लोग इसमें किसी भी तरीके का इफेक्ट या एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस आप लोग को इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए गाइस आप लोग को यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के क्रेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई आप लोग का एक क्रेट 50 डायमंड का होने वाला है। अब इस क्रेट से गाइस जैसे आप लोग इसे ओपन करोगे तो आप लोग को कुछ टोकन वगैरह मिल सकते हैं, या गाइस आप लोग यहां पे ऐसे कोई इवोल्यूशन बंडल भी अनलॉक हो सकता है, या गाइस यहां से आप लोग को कोई स्पेशल इफेक्ट भी क्लेम करने को मिल सकता है। तो इस तरीके के क्रेट्स गाइस जैसे हमारे इंडिया सुपर इवोल्यूशन बंडल गैलेक्सी व्हील में डाला जाएगा, उसी के साथ में गाइस आप लोग को स्टोर में इस तरीके के क्रेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई आप लोग स्टोर से परचेज कर पाओगे। तो यार बहुत ज्यादा डायमंड लगने वाले आप लोग के न्यू इवोल्यूशन बंडल को अपग्रेड करने में। भले ही भाई आप लोग को इवोल्यूशन बंडल बहुत कम डायमंड में दिया जा रहा हो, लेकिन गाइस अपग्रेड करने में आप लोग के बहुत सारे डायमंड खर्च हो जाएंगे। अब बात करें गाइस आप लोग के पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न के बारे में, तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई यहां पे आप लोग देख सकते हो पहले काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आई थी कि भाई हमारे पिंक डायमंड स्टोर की जो भी फाइल्स है गेम में ऐड हो चुकी है। मतलब गाइस यहां पे आप लोग कुछ आइकन वगैरह देखने को मिल जाते हैं हमारे पिंक डायमंड से रिलेटेड, जो कि भाई यहां पे बताई जा रही है कि हमारे स्टोर में ऐड कर दी गई है, मतलब गाइस हमारे गेम की फाइल्स में ऐड हो चुकी है। इससे रिलेटेड गाइस यहां पे लीक्स निकल कर आ रही है कि भाई विंटरलैंड इवेंट आप लोग हमारे पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई जब हमारे इंटरस पर पिंक डायमंड देखने को मिला था तो भाई बंदों ने बहुत ज्यादा गेम खेले थे, एंड गेम खेलकर काफी सारे पिंक डायमंड इकट्ठे किए एंड बहुत सारे रिवार्ड्स भी एक्सचेंज किए थे, जिससे गाइस गेम में एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई थी। एंड ग्रेन वालों को भी यार ज्यादा प्रॉफिट होता है, जितने ज्यादा बंदे गेम खेलते हैं उतने ज्यादा ग्रेन वालों को प्रॉफिट होता है, एंड भाई वो भी चाहते हैं बंदे गेम में एक्टिव बने रहे। तो इस वजह से यार काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि भाई हमारे विंटरलैंड इवेंट में आप लोग को पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारे एक सर पर काफी सारे यहां पे आप लोग को रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं हमारे पिछली बार के एफएडब्ल्यूएस इवेंट के, जो कि भाई आप लोग पिंक डायमंड से एक्सचेंज कर सकते हो, एंड गाइस इन पिंक डायमंड को आप लोग कुछ मिशन वगैरह कंप्लीट करके कलेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पिछली बार के एफएडब्ल्यूएस इवेंट के जितने भी रिवार्ड थे, मतलब गाइस आपके से पहले भी आप लोग को एफएडब्ल्यूएस इवेंट देखने को मिला है, उसमें बहुत सारे रिवार्ड्स दिए गए, कुछ फ्री में देखने को मिले, कुछ डायमंड्स भी देखने को मिले, तो भाई वो अभी तक हमारे इंडिया सर्वर रिटर्न में देखने को नहीं मिले। एंड यहां पे आप लोग को बहुत सारे पिंक डायमंड के बदले ये रिवार्ड्स एक्सचेंज करने को मिल सकते हैं। नहीं तो गाइस आप लोग को ये सारे रिवार्ड्स जरूर से किसी ना किसी इवेंट में रिटर्न देखने को मिलेंगे, जैसे भाई हमारे एक सर्वर पर ब्लैक मार्केट इवेंट में भी दिए गए थे, एंड कुछ सर्वर पर गाइस अलग अलग इवेंट में अलग अलग रिवार्ड्स देखने को मिल रहे हैं हमारे पिछली बार के एफएडब्ल्यूएस इवेंट के। तो भाई आप लोग हमारे पिछली बार के एफएडब्ल्यूएस इवेंट के काफी सारे रिवार्ड्स हमारे इंडिया सर्वर पर किसी ना किसी इवेंट में रिटर्न में नजर आ सकते हैं, काफी ज्यादा यहां पे चांसेस बन रहे हैं। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं हर एक सर्वर पर पिंक डायमंड से तो नहीं, लेकिन अलग अलग इवेंट में अलग अलग एफएडब्ल्यूएस इवेंट के रिवार्ड डाले जा रहे हैं। बाकी पिंक डायमंड तो गाइस शायद से आप लोग को हमारे विंटरलैंड इवेंट में देखने को मिलेगा। जैसे यार मेरे पास कोई भी कंफर्म अपडेट आती है आप लोग की पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर को लेकर, तो मैं आप लोग को आने वाली वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।